हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू रानी ब्लॉगर दिस साइड। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं न्यू ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जिसमें कि मेरे फ्रेंड्स लोग आज हम नए टूरिस्ट एरिया में जा रहे हैं, माँ चंद्रबन्नी के दरबार में, जो कि टिहरी में पड़ता है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है। और ये हमारी राइडर बाइक है, स्कूटी है, और अभी हमारे कुछ साथी आगे निकल चुके हैं, कुछ पीछे से आ रहे हैं। तो आज बने रहेगा राणा ब्लॉगर के साथ। राणा ब्लॉगर आज आपको बताएगा कि टूरिस्ट प्लेस में क्या क्या चीजें होती हैं, और बने रहेगा राणा ब्लॉगर के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो ये है, हम दोनों भाई हैं, दोनों इधर बताना मेरे दोस्त हैं, और आज हम जा रहे हैं माँ चंद्रबन्नी के दरबार में। तो चलिए, आप बने रहिए राणा ब्लॉगर के साथ, हम चलते हैं माँ चंद्रबन्नी के दरबार में। अभी हमारा कुछ ग्रुप आगे में वेट कर रहा है हमारा हिसरा खाल में, तो हम उनसे भी मिलते हैं। वहां पे भी हम मंदिर में जाएंगे, वहां पे एक शिव का पौराणिक मंदिर है, जो बहुत ही पुराना मंदिर है, जिसमें कि लोग कभी करवा चौथ के व्रत के दिन उस पे आते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम उसका भी आपको व्यू दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो हम जा रहे हैं माँ चंद्रबन्नी के दरबार में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे मेरा ग्रुप भी आया हुआ है, और कुछ कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ। तो चलते रहिए हमारे साथ, कि आज हम चल रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट पे, जहाँ से हमारे चारों तरफ हिमालय पर्वत का आवास है, और आपको साफ दिखाई देगा बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चोटियाँ दिखाई देगी। आपको मैं हिमालय पर्वत भी दिखाऊंगा, और जगह जगह हम पहुँच चुके हैं एक साल में। तो बने रहेगा राघव चौबे के साथ, राघव चौबे ऐसी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। आप देख सकते हैं ये हमारी न्यू स्कूटी है, और आज बहुत ही खुशी का दिन है, और पीछे से दोस्त लोग कह रहे हैं गौरव लाल गौरव लाल। देख सकते हैं दोस्तों, तो बने रहेगा राणा ब्लॉगर के साथ, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सब देख पा रहे हैं मेरे दोस्त हैं ये, हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्रबन्नी के दरबार में, थोड़ा सा यहाँ से। तो देख लीजिए आप, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, शानदार व्यू आ रहा है हमारे पीछे से। मेरे दोस्त लोग हैं ये, चल दियो यार, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस कम ऑन। दोस्तों, ये बहुत ही पुराना मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु लोग आते हैं और मन्नत मांगते हैं, और जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है, माँ इधर रखे जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है, तो ये करें तो माँ के दरबार में दोबारा दर्शन करने आते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से, इतना प्यारा, यहाँ पे पुरांस के फूल लोग, यहाँ के जो पेड़ है पुरांस के, उनसे जूस बनाते हैं, जूस बना के वो बेचते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं टूरिस्ट एरिया से, ऑल इंडिया बेस पे आते हैं, सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज मैं आपको अपने इस माँ के दरबार की जो सारी डिटेल्स हैं, व्यू हैं, आपको बताऊंगा और परिचित करवाऊंगा। और दोस्तों, याद आ गया मुझे कुछ पल, जो मेरी अपनी बहन के साथ यहाँ पे व्यतीत हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत पल थे वो। मैं और मेरी बहन यहाँ चंद्रबन्नी के नीचे, एक गांव है चुकियाना गांव है, चुकियाना गांव है दोस्तों, हम दोनों वहाँ पे शादी में आए थे, मेरी माता जी की लड़की की शादी थी। तो भाइयों की शादी के बाद हम दोनों ने, मेरी दीदी ने पंजाब निकल जाना था और मैंने अपने घर निकल जाना था, और उस टाइम पे सोचा कि हमारा ये रहा कि ज़्यादा टाइम नहीं बहुत अच्छा हुई। तो दो दिन रहे हम आप तरीके इतना अच्छा गुजरा दोस्तों, हम अपनी मासी जी की, लेकिन वो पल हम कभी नहीं भूलेंगे, जैसे कि आप दोस्तों हमने। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे मनीष सर हैं, जो बहुत ही स्पीड से चल रहे हैं, इनकी स्पीड का कोई पता नहीं है, लिमिटेशन नहीं है इनकी स्पीड का, बहुत ही स्पीड में चलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे आगे जाते हुए, हमारे
रहे मित्र। देखिए दोस्तों, माँ का दरबार काफी नजदीक पहुंच रहे हैं हम, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना, ये सारे बुरांस के पेड़ हैं यहाँ पे जो आप आसपास देख रहे हैं। आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारे फल बहुत से चीजें यहाँ से लेके जाते थे, जैसे बुरांस का जूस हो गया आपका, मिसर हो गया आपका, और यहाँ पे जो होते हैं ना नारंगी ऑरेंज हो गए आपके, ये सारे हम यहाँ से लेके जाते थे दोस्तों। ये देखिए जोराना गांव, ये है जोराना गांव, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माँ चंद्रवर्णी के दरबार में, आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सारे दोस्त पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए ये सारी स्कूटियाँ सारे हमारे दोस्त लोगों की हैं, दो ग्रुप ऊपर पहुंच चुके हैं और हम अभी आए हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, आइए थोड़ा माँ के लिए कुछ लेते हैं, कुछ एक वो होटल ले लिया। यार भाई क्या कमी पेशी नहीं हो रही, सब एक ही जगह होटल ले लिया है ना, कमी का की वीडियो निकला भाई जी, एक दी थे मैं तो एक एक सब जगह होटल ले दी। तो दोस्तों हमने ले लिया है सामान और एक सब जगह होटल ले लिया, 50 ही ज्यादा तो बोलो निकाल दिया 50 रुपए भाई। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सारे दोस्त लोग आ चुके हैं यहाँ पे, इनको दिखा दीजिए, ये देखिए सब्सक्राइबर कर दे यार भाई, इनको इनका आइए सर आइए, इनको मिलते हैं और धीरज नाम है इनका, हाँ ये हमारे बिंदी भाई हैं, ये डांगचोरा के हैं बेसिकली, आपको पता ही होगा है ना डांगचोरा वाला, अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो ये चंद्रवन्नी में है, इनका ये खोला हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे जय माता की, जय माता का जितना भी सामान है आप अगर लेना चाहते हैं तो इनसे चंद्रवन्नी में जब भी आओगे आप तो इनकी शक्ल देख लीजिए एक बार गौर से, ये है बिंदी है भाई हमारे, हाँ ये डांगचोरा से, और प्लीज अगर आप लोग आते हो तो इनकी थोड़ा हेल्प कर लेना। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम पहुंच चुके हैं माँ के दरबार में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अंजनी सेन है और यहाँ का जो पूरा व्यू वो आप सीधे सामने दिख पा रहा होगा आपको, तो वो टीरी है, यहाँ से टीरी बहुत ही नज़दीक पड़ता है, इन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है यहाँ से, और ठंडा इलाका भी है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, वो ऊपर मंदिर बता दीजिए इनको, अभी हमने पैदल जाना है, कम से कम 15-20 मिनट का रास्ता है, तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। तो
दोस्तों देख पा रहे हैं ये है जाने का स्थान। चलते हम ऊपर, आइए दोस्तों। नीचे में छोटे छोटे होटल्स हैं, आप देख पा रहे हैं इनको। जरा इनको होटल का व्यू भी बता दीजिए। होटल बाद में बताए, पहले हम वॉकिंग। बहुत ही खुश हसीन दिन है आज का दीपावली के पर्व पर। मैं आप सभी दोस्तों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो जितने भी मेरी वीडियोस को देख पा रहे हैं उनको प्लीज दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपनी फैमिली के साथ जो ही इन दीपावली में मिलते रहिए, खुशी मनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए, अगले कोई ना होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था और बता नहीं सकते, पर चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा परिचय भी कर रहे हैं मंदिर पेड़ को, मतलब जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो भगवती माँ से मांगी हुई जो चुनरी होती है वो पेड़ पे बांध देते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे पेड़। जय बाबा जी। तो देख सकते हैं आप, या हम जा रहे हैं माँ के दरबार में। बहुत ही सुकून फील हो रहा है अंदर से, मन को ऐसा लग रहा है, इतनी शांति मिल रही है कि बता नहीं सकते दोस्तों। यहाँ की ठंडी हवाएं, यहाँ की ठंडी हवाएं, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की जो प्रकृति का स्पर्श है, जो प्रकृति का जितना भी आप देख पा रहे हैं, मन को मोह करने वाला भावुक है। आप देख सकते हैं, एक बार अच्छे से ला तुम, चलो सर नहीं सब वो मनोरण में जा। दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए आप लोग भी आगे आ जाओ प्लीज, वेलकम। और पहुंचने वाले हैं काफी, इस टाइम पे तो काफी कम है पर, लेकिन आते रहते लोग यहाँ पे। देख सकते हैं आप नीचे से भी कुछ व्यू बता दो, आते हुए व्यू तो बता भाई। और व्यू देखिए आप नीचे का, नीचे का बताना, पेड़ पौधे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। पर्वत है एक बार, हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो रहा हिमालय पर्वत, देख लीजिए। देखिए होना चाहिए जूम करना, जूम करके देख लीजिए, कर रखा जूम भाई, देख लीजिए ऊपर से। तो ऊपर से हम और भी क्लीन दिखाएंगे आपको, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे शूज वगैरह उतारते हैं, देख सकते हैं आप। एक बार आप इनको व्यू बता दीजिए, यहाँ पर व्यू बता, ये बता देना यहाँ पे दुकान, अभी दुकान बताना साथ ही, जिसको भी लेने हैं आ जाइए। ये देख लीजिए आप, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीजें चलती है। चले जा सर, एक ही बार में आफत है ये खाने। तो आप सभी देख पा रहे हैं, आइए दोस्तों फर्स्ट स्टेप है, इसको पकड़िए, हाथ से दियो। इनको भी धोने दीजिए सब। ये देखिए यहाँ पे पूरा व्यू, यहाँ पे देखिए, अभी हम आपको पूरा घुमाएंगे इस माता मंदिर के दरबार की फोटोज, जितनी भी वीडियोस हैं वो आप सभी को प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ का व्यूज देखिए आप, नीचे का व्यू देखिए, ये देखिए इन लोगों की नीचे ज्योति चप्पल उतारने का स्थान है, लेकिन ये यहाँ ऊपर लेके आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से हिमालय पर्वत की चोटियाँ देखिए दोस्तों, अगर आप आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ बादल है तो ऊपर से दिखेंगे, बहुत ही क्लीन नेस्ट से दिखाऊंगा मैं आपको, ये देख लीजिए। तो चलिए हमारे साथ ऊपर चलते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए, जय माता दी। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने सबसे पहले यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं उनको काउंट किया था, और काउंट करने से मुझे पता लगा कि यहाँ से यहाँ पर 120 सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं, जय पिताजी।
ये देख लीजिए, और ये मेरे बजरंग बली है। अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट है यहाँ का, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ऐसे ऐसे स्थान पे आते हैं जहाँ पे मन को सुकून कर देने वाली भावुक चीजें होती है सामने की। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये दिखा दीजिए इनको। मनीषोर लाइन पर लगाए थे, आइए दोस्तों यहाँ से माँ के माँ फोटो खींचते यार। ये देखिए मनीषोर, मनीषोर हम लाइन पर, वो दिख रहा आपको हिमालय पर्वत की चोटियाँ कितनी ब्यूटीफुल है आप देख सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देख लिए, थोड़ा झूम करके एक बार उनको दिखा दीजिए ना, स्टॉप कर दीजिए एक बार, स्टॉप कर दीजिए एक बार, झूम कर ये देखिए दोस्तों, उधर भी दिखा लीजिए इनको। नारियल को फोड़ा जाता है आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे हथियार आप देख सकते हैं। ये देखिए आइए हमारे पास एक पूरा व्यू दिखा लीजिए यहाँ से, इस माउंटेन को निकालिए जरा यहाँ से, देखिए दोस्तों कितना क्लीन है, कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा है। एक बार यहाँ की गहराई को भी दिखा लीजिए यहाँ आगे आके, ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए कौवों को देखिए, जो कहीं नहीं मिलेंगे वो इस पावन धरती पर मिलेंगे हमारे उत्तराखंड में। और चलिए अब हम अंदर जाते हैं दोस्तों, आप सभी कैसे देख पा रहे हैं हमारे साथ, मैं आपको बताता हूँ। माता का दरबार ये यहाँ पे देखिए, सारे त्रिशूल त्रिशूल की माता के रखे हुए हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूँ आपके इस तरह इस साइड की तरफ, बहुत श्रद्धालु लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आने के बाद दर्शन करने के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये देखिए व्यू पूरा वो मेरे साथ दोस्तों, यहाँ पे पता क्या था पहले दोस्तों, यहाँ पे तोड़ती है ये गुफा है, आप बता लीजिए इनको, ये गुफा है। और यहाँ पे पहले पता क्या होता था, यहाँ पे बकरियों की बलि दी जाती थी यहाँ नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी वैसा था, लेकिन कुछ टाइम बाद के बाद इसको बंद कर दिया गया है, अब यहाँ पे कोई भी बलि नहीं चढ़ाई जाती है। तो आइए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप एक बार यहाँ का नज़ारा बताइए इनको यहाँ से, ब्यूटीफुल इतना ग्रेटफुल मोमेंट है कि मतलब आप खुद सोचेंगे कभी भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो इतना ब्यूटीफुल मोमेंट है यहाँ का, आप देख के ही मन भावुक हो जाएगा आपका। और कितनी शांति है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों ये नीचे के पेड़ पौधे, यहाँ से कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है देख रहे होंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देख पाया है कि मैंने आपको माता मंदिर दिखाया है, माँ चंद्रवर्णी का दरबार दिखाया है, और भी काफी जोरों के लग गया क्योंकि सुबह हमने कुछ नहीं खाया है, मेरे दोस्त भी भूखे हैं और सबको भूख लगी है, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।